नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष ईएफएम पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आज का जो चैप्टर है मर्चेंट बैंकिंग में जो टॉपिक है कि भारत में जो मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं जो प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन संस्थाओं जो सेवाएं प्रदान करने वाली जो संस्थाओं के बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मर्चेंट बैंकिंग है क्या चीज़। तो मर्चेंट बैंकिंग की बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग जो उद्यमी हैं उसकी पूंजी या उद्यमियों की पूंजी प्रदान करने के लिए जो विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ये मर्चेंट बैंकिंग कार्य कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है जो इंडस्ट्रियल हैं, जो उद्यमी हैं, वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फाइनेंस से संबंधित जो कार्य संपादित जो करवाते हैं वो मर्चेंट बैंकिंग कार्य कहलाते हैं। क्योंकि भारत में जो भी व्यापारिक बैंक हैं, अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, ये सेवाएं प्रदान करती हैं। जब हम बात करें 1980 के दशक के पूर्व की, तो भारत में मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में विदेशी संस्थाएं जो हैं वो मुख्यतया एकाधिकारात्मक या 1980 के दशक में वित्तीय नियमन अधिनियम को संशोधित करके भारतीय बैंकिंग को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का भी अधिकार दिया गया है। मर्चेंट बैंकिंग क्रियाएं बहुत व्यापक है, क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग जो संस्थाएं हैं सर्वप्रथम ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई, जो कि ब्रिटेन में मर्चेंट बैंकों को स्वीकृति निर्गमन गृह भी कहते थे। स्वीकृति निर्गमन गृह के नाम से भी जानते हैं। तो स्वीकृति निर्गमन गृह को भारत में मर्चेंट बैंकिंग की स्वीकृति गृह के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम विनियोग बैंक भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग को इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहा गया है। किस प्रकार से, क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, क्यों मर्चेंट बैंकिंग विदेशी व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे सोने चांदी की खरीद, यूरो मुद्रा बाजार और विभिन्न प्रकार के फर्मों का बाजारों को इसमें क्रियान्वयन किया गया। तो मर्चेंट बैंकिंग जो व्यापारिक बैंकों से ये अलग होते हैं, क्योंकि मर्चेंट बैंक साधारण फीस लेकर वित्तीय सलाह एवं सेवाएं प्रदान करने में इनकी अहम भूमिका रहती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दलाल और प्रतिभूति निर्गमनकर्ता व्यापारिक बैंक ये कार्य संपादित करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग में व्यवहारिक जीवन में जो काम में आने वाली जो मुख्यतया जो चीज़ें हैं, जो सेवाएं हैं, वो भी एक अग्रणी हैं, क्योंकि भारत में मर्चेंट बैंकिंग विभिन्न उद्यमियों के द्वारा क्रियान्वित हो पाती है। क्योंकि पूंजी बाजार में अंशों के अभिगोपन या समन्वय प्रबंध संरचना आदि सेवाओं को भी मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहा गया है, क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था ही मर्चेंट बैंक कहलाती हैं। अभिगोपन, समन्वय प्रबंधन आदि कार्य को संपादित करने वाली संस्थाएं या आदि सेवाएं मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत पूंजी निर्गमन निगम, समन्वय पूंजी संरचना परियोजना और वित्त प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंध और आयात निर्यात वित्त प्रबंधन आदि सेवाओं को शामिल किया गया है। मर्चेंट बैंकिंग ग्राहकों के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो अपनी सेवाएं किसी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं या निर्गमन इकाइयों की उपक्रम की स्थापना या नई कंपनियों के प्रोजेक्ट में परिवर्तन,
नियोजन, संपादन आदि से संबंधित कार्य, सेवाएं, तकनीकी को शामिल किया गया है। तो भारत में मर्चेंट बैंकिंग की हम बात करें तो भारत में मर्चेंट बैंकिंग का विकास पूंजी बाजार के साथ हुआ है, जिसमें विदेशी विनिमय रेगुलेशन एक्ट 1973 के रूप में कार्य संपादित किए गए। इसमें फेरा जो अधिनियम है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत 1 जनवरी 1974 से इसको लागू किया गया। अधिनियम के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की विदेशी संस्थाओं भी इसमें क्रियान्वित रही हैं, जो कि ऐसी संस्थाओं को आवश्यकता अनुभव की जाने वाली प्रतिभूतियों या वित्तीय पूंजी एकत्रित करना, पूंजी निवेश में सलाह और सुझाव दे सकें आदियों को मर्चेंट बैंकिंग के रूप में विभिन्न प्रकार के बैंकों के रूप में सही एवं अग्रणीय भूमिका के रूप में क्रियान्वित रही हैं। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक रहा है। तो अब मर्चेंट बैंकिंग की हम संस्थाओं की चर्चा करेंगे तो भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार दिशा निर्देशानुसार ये कार्य करती हैं। मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली जो व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें सर्वप्रथम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मर्चेंट बैंकिंग में 1972 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य संपादित करने के लिए उत्तरदायित्व भूमिका के रूप में निभाया। इसके बाद में अन्य व्यापारिक बैंकों को शामिल किया गया, जिसमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, IDBI बैंक, सहायक कंपनियां जिसमें SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड और भी विभिन्न प्रकार की कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया गया। वर्तमान में कई विदेशी बैंक अपनी वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, ऋण की व्यवस्था, संगठन क्षेत्र में लगे हुए हैं और विदेशी विनियोग के आकर्षण करने या भारत में विदेशी कंपनियों को संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित करने के लिए भी सलाह भी दे रहे हैं। दूसरा है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में विकास बैंक और औद्योगिक साख एवं विनियोग बैंक ICICI बैंक 1974 में अपनी सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी रही हैं, जो कि एक अहम तरीके से क्रियान्वित हतोत्साहित रही है। इसके द्वारा कई प्रकार की सेवाएं भी दी जा रही है, जिसमें प्रोजेक्ट काउंसलिंग, ऋण संगठन, पट्टा वित्त और लीज फाइनेंस, प्रतिभूति पूंजी सहायता के रूप में किया। तीसरा है तकनीकी परामर्शदाती संगठन, तकनीकी परामर्शदात्री संगठन, तकनीकी परामर्शदाती टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक देश में राज्य के रूप में स्थापित छोटी एवं मध्यम आकार की संस्थाएं तकनीकी परामर्शदाती संगठनों को भी एक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें मर्चेंट बैंकिंग विनिमय में उतार चढ़ाव के साथ में 1994-96 में स्कंद विनिमय केंद्रों में विभिन्न प्रकार के उछालों को इसमें क्रियान्वित किया गया है। भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेबी के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है और बैंक औद्योगिक घरानों में मर्चेंट बैंकिंग स्थापित की गई है, जो कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई हैं। अंतिम है निजी परामर्शदात्री फर्म।
निजी परामर्शदात्री फर्म को शामिल किया गया, प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म को। इसमें मर्चेंट बैंकिंग कई निजी परामर्श फर्में भी कार्य कर रही हैं, जिसमें क्रेडिट कैपिटल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड डीएसपी सहायता कंपनी की स्थायी योजना की प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में इनकी अग्रणी भूमिका रही है। निजी क्षेत्र में सहायता प्रदान करने, अंतर निगमन नियोजन को सलाह देने का भी ये कार्य करती हैं। तो इस प्रकार भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जिसमें मैंने आपको बताया व्यापारिक बैंक, जो कि कॉमर्शियल बैंकों में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंक सम्मिलित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को शामिल किया गया, और उसके बाद में 1969 को 6 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, उनको भी मर्चेंट बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अग्रणी भूमिका रही है। दूसरा, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को भी, जो 74 में गठित किया गया, तकनीकी परामर्शदात्री संगठनों को और निजी परामर्शदात्री संगठनों को शामिल किया गया। ये मर्चेंट बैंकिंग के रूप में एक अग्रणी, एक सहायक भूमिका का निर्वहन करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से कार्य करवाना मर्चेंट बैंकिंग कार्य कहलाती है, और मर्चेंट बैंकिंग अभिगोपन, समन्वय और ऑर्गेनाइजेशन, अंडरराइटिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित जो कार्य है वह मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के लाभ उपलब्ध होते हैं, जिसमें सहायक तरीके से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ही कार्य संपादित करने होते हैं, तो वो मर्चेंट बैंकिंग की श्रेणी में आ पाते हैं। अगले, मर्चेंट बैंकिंग की सेवाओं में मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका भी रही है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक मर्चेंट बैंकिंग में 1972 में बहुत ही सराहनीय प्रयास इन्होंने किए, जो विभिन्न प्रकार के उद्यमी या विभिन्न प्रकार के जो व्यापारियाँ हैं, व्यापारी लोग हैं, उन्होंने मर्चेंट बैंकिंग का बहुत अधिक बेनिफिट लिया गया है, जिससे उनका व्यापार और उद्योग सही दिशा में चल सके। तो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में व्यापारिक बैंकों की अग्रणी भूमिका मर्चेंट बैंकिंग में रही है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और अग्रणी सहायक भूमिका के रूप में क्रियान्वित भी रही है। तो इस प्रकार मर्चेंट बैंकिंग सराहनीय विश्वसनीय कार्यों में एक अग्रणी रही है कि मर्चेंट बैंकिंग क्या कार्य करे। तो हमने आज भारत में जो मर्चेंट बैंकिंग की जो सेवाएं हैं, वो जो प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं का हमने संक्षिप्त में सारगर्भित रूप से हमने अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार से मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं या मर्चेंट बैंकिंग की गतिविधियाँ अग्रणीय एवं सराहनीय रही हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में मर्चेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग के क्या क्या कार्य हैं, उन कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध किस प्रकार से किया गया है और अन्य कार्य मर्चेंट बैंकिंग के कौन कौन से हैं, और मर्चेंट बैंकिंग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और मर्चेंट बैंकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 3 ही बनते हैं मर्चेंट बैंकिंग से संबंधित, जो कि प्रथम ये कि भारत में मर्चेंट बैंकिंग की संस्थाएं कौन कौन सी है, दूसरा मर्चेंट बैंकिंग की आवश्यकता और उसकी इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में मर्चेंट बैंकिंग के कार्य कौन कौन से हैं, वो ये 3 प्रश्न हैं जिसमें हमने आज के इस व्याख्यान में भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि भारत में मर्चेंट बैंकिंग के कार्य और आवश्यकता और महत्व कौन कौन से है। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।